नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जियो स्टडी 94 में। और दोस्तों यश, दोस्तों जैसा कि आपको पता है, द हिंदू का जो मुख्य खबर होता है जिसे आप प्रोमिनेंट न्यूज़ कहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पूरे फुल कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन देते हैं, पूरे स्पष्टीकरण के साथ बताते हैं और कौन सी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए और आप कम्युनिकेशन दृष्टि से बहुत ज़रूरी हैं उसके बारे में हम बताते हैं। तो दोस्तों चलते ही आगे चलते हैं बिना लेट किए। जैसा कि लिखा है, 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन 9 स्टेट टू गो पोल इन फोर्थ फेज टुडे। तो कहने का मतलब ये है, 9 राज्यों में 72 संसदीय जो सीटें हैं उन पे चुनाव होने वाला है और आज से जो फोर्थ फेज स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, इस बार का जो चुनाव है दोस्तों 7 चरणों में होने वाला है। इससे पहले का जो 2014 में चुनाव हुआ था वो 9 चरणों में हुआ था। तो दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के अंदर लोकसभा चुनाव को एक उत्सव के रूप में देखा जाता है और अभी तक देखें तो कोई बड़ा कैजुअलिटीज़ नहीं हुआ कहीं पे, कहीं मिस ऑफ, अगर बात करें कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस के बारे में, तो बहुत बड़ा अभी नहीं हुआ है कि जिनकी वजह से हमें चुनाव को स्थगित करना पड़े या वहाँ पे कोई स्पेशल फोर्स को डिप्लॉय किया जाए। तो अभी खुशी की बात है। तो देखते हैं किन किन राज्यों में कितनी सीटों पर हैं। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में 17 सीटें हैं, राजस्थान में 13 सीटों पर होना है, उत्तर प्रदेश में 13 पे होना है, वेस्ट बंगाल में 8, मध्य प्रदेश में 6, उड़ीसा में 6, बिहार में 5, झारखंड में 3, जम्मू कश्मीर में 1, ठीक। उसके बाद श्रीलंकन ट्रूप्स क्लोज इन ऑन ईस्टर ब्लास्ट सस्पेक्ट। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के ट्रूप्स में सैन्य दल होता है, श्रीलंका की जो सैन्य दल थी या पुलिस जिसको आप कह सकते हैं, किस प्रकार से ईस्टर ब्लास्ट सस्पेक्ट जो था उसे बंद कर दिया गया है। फादर टू सिबलिंग ऑफ हासिम अमंग दोज गन डाउन। जी हाँ दोस्तों, फादर के साथ उसके दो भाई और हासिम, ठीक है, लोगों ने जो है कि सरेंडर कर दिया। देखते हैं इसके बारे में, द फादर एंड टू ब्रदर ऑफ अजहराम हाशिम हु इज़ बिलीव टू हैव लेड द ईस्टर अटैक्स इन श्रीलंका वेयर किल्ड इन फ्राइडे। जी हाँ दोस्तों, ये लोग जो जिहाद में बिलीव करते हैं, जो ये समझते हैं कि जो इस्लाम है वो सबसे पवित्र है, इस्लाम के लिए लड़ना हमारा परम धर्म है। तो दोस्तों आपको बता दें, एक आपके हैं नाइक करके हैं जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं और जिसको कई देश जो है प्रतिबंधित घोषित कर दिए हैं। इनका पहले बकायदे टीवी में चैनल में पूरा बताया जाता था, पर ऐसे कई दस्तावेज प्रमाणित हो चुके हैं। लगभग कई आतंकियों को जब मारा गया तो उनके सामान को जब खंगाला गया तो वहाँ पे पाया गया कि उनके DVDs या बुक्स उनके साथ में थे। तो कहीं ना कहीं ये बताया गया कि जो इन्हीं से, जो मोटिवेशनल स्पीकर जो इन्हीं से वो सब प्रेरित थे कहीं ना कहीं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे लोगों को भी देखना चाहिए, पर इनके जो है हासिम जो था उसके वाइफ को और डॉटर को बचा लिया गया है सेफली। अब हो सकता है जो नाइक पे कार्रवाई भी हो, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, NIA लुक्स फॉर हासिम लिंक्स इन केरला, ठीक। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही रविवार के दिन श्रीलंका में श्रृंखलाबद्ध तरीके से बम विस्फोट होता है तो उसके बाद भारत की जो खुफिया जांच एजेंसियां हैं वो भी दोस्तों चौकन्ना हो गई और जगह जगह पर तफ्तीश जारी कर दी, और उसी में एक NIA ने भी तफ्तीश जारी कर दी। तो उसमें केरला में कुछ लोग मिले जिस पे उसको पूरी तरह से संदेह है कि ये लोगों का तार कहीं ना कहीं श्रीलंका के जो वहाँ पे इतने बड़े रूप में जो अटैक हुआ है उनसे तार जरूर होंगे। यहाँ भी देखिए वो चीज़ मिलेगी आपको, दिखा रहे हैं। ऑफिशियल सेड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द NIA एंड द FBI हैड बीन डिजिंग द डिजिटल थ्रेट लेफ्ट बिहाइंड हिम हासिम एंड सोसाइटी लंका। जी हाँ दोस्तों, अब इसके स्पष्टीकरण के बारे में हम बता देते हैं। तो आप जब पढ़ा करिए तो अपने दिमाग में ये विचारधारा बनाए रखिएगा कि इसके अंदर खबरें कौन सी हैं। उसके बाद, आई हैव नेवर यूज द टर्म हिंदू टेरर, दिग्विजय। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भोपाल के सीट से दिग्विजय लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ BJP की जो प्रज्ञा साध्वी हैं वो लड़ रही हैं।
तो दिग्विजय का सीधा सीधा कहने का मतलब है कि मैंने कभी भी हिंदू को आतंकवादी नहीं कहा। जिस प्रकार से कांग्रेस के ऊपर ये बार बार आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेसी कुछ नेता थे, कुछ ऐसी मानसिकता से भरे पड़े थे जिनका ये आरोप था कि हिंदू जो संगठन है या फिर जो बीजेपी के कुछ तथाकथित नेता हैं वो किस प्रकार से हिंदू टेरर को जन्म दे रहे हैं। तो इस प्रकार के आरोप को खारिज कर रहे हैं दिग्विजय कि मैं इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का कभी प्रयोग नहीं किया। उसके पास है AI पैसेंजर स्ट्रगल एज 137 फ्लाइट्स आर डिलेड। जी हाँ दोस्तों, एक साल में दो बार जिस प्रकार से सर्वर फेल हो गया एयर इंडिया का, और जिस प्रकार से आपको पता है कर्ज की वजह से इसकी स्थिति इतनी दयनीय चल रही है कि कोई भी बैंक, चाहे सार्वजनिक हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी इसे लोन देने से हिचक रही है और भाग रही है। फिर भी कुछ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी दोस्तों बार बार इसमें किसी प्रकार का सेंध लगाया जा रहा है, जिस वजह से यात्री बेहद परेशान हो चुके हैं कि एक साल में दो बार कैसे, मतलब इतने व्यापक स्तर पे कैसे वो सर्वर डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से 137 फ्लाइट फिर से डिले करना पड़ा। सोचिए 137 फ्लाइट बहुत बड़ी मायने रखती है, दो तीन होती तो बात अलग होता। तो ये इसकी जो छवि है किस प्रकार से एक आक्रोश का रूप ले रही है। जो आम पैसेंजर है दोस्तों, इसके टिकट लेने से कतरा रहे हैं एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद नो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोन्स फॉर डॉट हिज हिट फॉर्मर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र बैंक सीधे सीधे कह दिया है कि जिन किसानों का जो सूखे से जो फसल नष्ट हो गई है, हम किसी प्रकार का लोन मुहैया नहीं कराएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर पे बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा लोन हो चुका है और जिस वजह से बैंक की जो हालिया स्थिति है बहुत ही ख़राब चल रही है। इस वजह से हम किसी प्रकार का लोन देने में अक्षम है, वी आर नॉट एबल टू लोन एनीवन। ठीक है, तो इस प्रकार का इसमें ये लिखा गया है। ये बस ऐसे ही खबरें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है लोकसभा पोल आउटकम विल नॉट अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट सेज कुमार स्वामी। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से कर्नाटका में कुमार स्वामी की सरकार है, उन्होंने सीधे सीधे कहा है लोकसभा चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, हमारी जो स्टेबिलिटी है, जो स्थायित्व है, मतलब जो हमारी गठबंधन की सरकार है, इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा है, फॉल्स प्रोपोगेंडा ऑफ JD लेजिस्लेटर एंड लीडर्स हेयर, मिस्टर कुमार स्वामी सेड द गवर्नमेंट वॉज स्टेबल एंड लेजिस्लेटर शुड नॉट फॉल प्रे टू फॉल्स। कुछ लोगों का फॉल्स प्रोपोगेंडा कि सरकार गिरने वाली है, लोग अपना जो है जन समर्थन हटाने वाले हैं, इस प्रकार की बातें चल रही हैं। और है यहाँ देखिए लिखा है, डायरेक्टर RGV नॉट अलाउड टिंटा विजयवाड़ा। कुछ लोगों का ये है कि मतलब डॉक्टर RGV जा रहे थे किसी चुनावी कैंपेन के लिए, किस प्रकार से विजयवाड़ा में कुछ लोगों ने उनको रोक दिया, तो उस पर काफ़ी बवाल हो रहा है। हैदराबाद मुस्लिम कंडेम श्रीलंका ब्लास्ट। कंडेम का मतलब होता है दोस्तों निंदा करना। जिस प्रकार से श्रीलंका में श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमला हुआ, जिसमें 250 के ऊपर कह सकते हैं 350 का आंकड़ा पार गया है मृतकों की संख्या और हज़ारों की संख्या में घायल हुए हैं, तो उनके लिए दोस्तों किस प्रकार से जो मुस्लिम बहनें हैं हैदराबाद की, उस वारदात का निंदा कर रही हैं कि इस प्रकार से किसी भी संप्रदाय का अगर इस प्रकार का चरमपंथी कृत्य करता है तो घिनौना है, वो किसी भी संप्रदाय का नहीं हो सकता। इस्लाम में जहाँ भाईचारे की प्रमुखता दी जाती है, जहाँ राष्ट्र के प्रति समर्पण दिया जाता है, जहाँ पर सारे धर्मों को एक धागे में पिराने की सीख दी जाती है, इस प्रकार का कृत्य जघन्य कोई कैसे कर सकता है। और मुस्लिम महिलाएं फूलों के साथ वहां पे आईं और अपने विचारों को साझा किया उन्होंने। उसके बाद है उसके बाद दोस्तों, टिकट टू आउटसाइडर कॉज अनहीज इन पंजाब बीजेपी।
एक्सपर्ट फील सिलेक्शन ऑफ सनी देओल हरदीप पुरी इज लाइकली टू कॉज हर्ट बिटन अमंग लोकल लीडर्स। जी हाँ दोस्तों, इस बात को तो आप मानिए, जिस प्रकार से जो बीजेपी पार्टी है, जो वहाँ की हाई कमान है, किस प्रकार से नए नए चेहरों को, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस या फिर ग्लैमर के जो चेहरे हैं, किस प्रकार से उन्हें टिकट दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लोकल नेता उनके अंदर या फिर लोकल जो कार्यकर्ता हैं स्थानीय, उनके अंदर एक कह सकते हैं निराशा की भावना है। आप ये बताइए, ये लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं कि नहीं अवसरवादी, जिनको जिस पार्टी से टिकट मिल गया उनके गुणगान गाने लगे, उनके स्लोगन को दोहराने लगे। पर आप बताइए, किसी प्रकार का इनका योगदान है क्या? कभी किसी पार्टी में इन्होंने 2 रुपये का बैनर तक छपवाया या कहीं सार्वजनिक मंचों से इनके कार्यों को अप्रिशिएट किए? नहीं किए। पर दोस्तों, आज इनको टिकट मिला तो किस प्रकार से बीजेपी के गुणगान गा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ये मानसिकता को जल्दी नहीं ख़त्म किया गया तो पार्टी के अंदर अंतर विरोध हो जाएगा, एक दूसरे की ना पसंद होने की स्थिति बड़ी विकराल हो जाएगी। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, गोरखपुर से रवि किशन, आजमगढ़ से रवि वो दिनेश लाल निरहुआ, और गुरदासपुर से आपके हैं सनी देओल। तो इस प्रकार की जो चीज़ें कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।